रामगंज मंडी में मंगलवार को पालिका के पूर्व ईओ सत्यनारायण राठौर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पालिका के सामने कांग्रेसी पार्षद धरने पर बैठे। कांग्रेसी पार्षद पहले भी धरने पर बैठे थे, जिस पर जांच के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ था, लेकिन जांच नहीं होने से खफा पार्षदों ने कांग्रेस के बैनर तले फिर से धरना शुरू कर दिया है। भ्रष्टाचार को लेकर ही हम यहाँ रामगंज मंडी नगर पालिका के बाहर बैठे हैं। इनके द्वारा यहाँ तक कि अभी जो भ्रष्टाचार जो हुए हैं अभी तक, जैसे कि ठेकेदारों को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है, वर्क ऑर्डर पहले जारी होते नहीं, उससे पहले ही काम चालू हो जाते हैं। पार्षदों द्वारा ही कहा गया है कि साहब इन्होंने ज्ञापन दिए थे सीएम साहब को और उच्च अधिकारी को दिए थे, ज्ञापन ज्ञापन हमारे उपनिदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय कोटा द्वारा 11/3/2022 को एक लेटर करने फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी थी। हमने कल उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट भिजवा दी है और मूल फाइल हम DDR मैडम को भिजवा रहे हैं, क्योंकि मामला श्री सत्यनारायण राठौर जो ATP है साहिब नगर निगम और कोर्ट में ही होगा चार्ज था उनके पास, उनके भ्रष्टाचार संबंधित है।